हाय गाइड्स, सबका ऑटो लिंकल चैनल में स्वागत है। गाइड्स सिंगम थ्री, सिंगम अगेन, थ्री के जगह पे अगेन आ गया। और इसके पहले भी वीडियो डाला, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं थ्री का रिव्यू दे रहा हूँ कि सेकंड का, लेकिन ट्रेलर में जो है अगेन लिखा है तो मतलब थ्री का। और सूर्या सर भी ऐसे गलत कुछ हुआ इसके पहले, इसके लिए अब जो है ये थ्री है और अगेन है। तो ट्रेलर देखा, आज भी जो ट्रेलर जो है रिलायंस वाले के मतलब थ्रू आ रही है मूवी, और रिलायंस वाले ने आज भी देखा तो आज देखने पर थोड़ी अलग लग रही है। और इसका जो है व्यूज़ जो है बहुत काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर देखा जाए 7 तारीख का है, लेकिन अभी तक इसके व्यूज जो है 2 करोड़ 50 लाख के ऊपर क्रॉस हो गए हैं। और इसके मतलब ये समझो कि इसके जो है 26 मिलियन पकड़ के चलो, 26 मिलियन और 4 लाख तक के इसके लाइक हो चुके हैं। तो गाइस इसका ट्रेलर अच्छी खासी है, लेकिन आपको मैं कुछ पीछे लेके चलता हूँ और ये बताता हूँ कि इसके ट्रेलर हैं, इसमें ट्रेलर में आप पूरा खंगालो तो आपको पूरा का पूरा लगेगा जैसे मैं सूर्यवंशी 2 देख रहा हूँ। क्यों मैं आपको बताता हूँ, आप देखो यहाँ पर जो है मतलब करते करते जो है लड़ाई करते करते सबकी एंट्री बताती है। एंट्री बताने के बाद एंडिंग में सूर्यवंशी में कैटरीना कैफ को लेके सब लोग बाहर निकलते हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी जो है सिंगम थ्री में भी कि लड़ाई करते करते मतलब इसके क्लाइमेक्स है, इसमें जो है करीना कपूर, अजय देवगन और सब जो है जो भी इसके अंदर टाइगर श्रॉफ सब लोग लेके निकलते हैं। मतलब ये सेम लग रहा है सूर्यवंशी का ट्रेलर और इसका, जैसे लग रहा है कि हम लोग जो है सिंगम अगेन का ट्रेलर ने हम लोग मतलब सूर्यवंशी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो भी कहीं भी आप पोस्टर देखो तो जैसे लग रहा है कि सिंगम का नहीं, ये सूर्यवंशी का पोस्टर लग रहा है। तो चलिए थोड़ी बात करते हैं रोहित शेट्टी सर के बारे में। रोहित शेट्टी सर जो है लग रहा है कि पहले जो है वो अपना सोच रहे थे कि मैं सिंगम अगेन का अजय देवगन को रख के वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लिखते लिखते जो है वो पहुंच गए सूर्यवंशी में। और सूर्यवंशी में ये नहीं जाने कि सूर्यवंशी में इसी तरह के थोड़े बहुत स्टोरी हैं, हल्के फुल्के हैं और उसी तरह जा रहे हैं। और ये सिंगम अगेन जो इसके पहले जितने भी पार्ट दिए उस तरह की नहीं बना पाए, अजय देवगन की मतलब उस तरह का भूमिका नहीं दे पाए। और यहाँ पर सब के सब जितने भी कास्ट हैं यहाँ पर देख के लगेगा कि आप सूर्यवंशी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि रोहित शेट्टी सर की ये भी उनकी ही मूवी है, वो भी उनकी, चाहे वो सिंगम अगेन दे या आप सूर्यवंशी सेकेंड पार्ट दे। तो गाइस आप सब जगह पे पोस्टर, अगर आप सूर्यवंशी का पोस्टर और सिंगम अगेन का पोस्टर साथ में रखोगे तो लगेगा आपको कि आप सेकेंड पार्ट सिंगम अगेन के जगह पे आप सूर्यवंशी 2 का देख रहे हैं आप, तो इस तरह का लगे। तो चलिए मैं ये रिव्यू करने का मतलब एक मेरा उद्देश्य था, बहुत जगहों पर इसके मतलब पोस्टर लगे हैं, इसके विजुअल में पोस्टर लगे थोड़े आ रहे हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड, आधा सेकेंड और गायब हो जा रहे हैं, फिर वहाँ पे आ रहे हैं। बहुत जगह पर ऐसे स्टेशनों में लगे हैं, रास्ते पर लगे हैं, तो कुछ जो है कई सेकेंड का मैं कुछ लिया हूँ 2 जगह पर, स्टेशन का और एक जो है रास्ते पर जो विजुअल है वो मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसके पुलिस आ रही है, जिस तरह से सूर्यवंशी में लिखा गया था पुलिस आ रही है वैसे ही सिंगम अगेन में भी लिखा गया पुलिस आ रही है। तो गाइड्स चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जोरों से हमारे रोहित शेट्टी सर जो है प्रमोशन कर रहे हैं। तो गाइड्स चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिंगम अगेन का वो पोस्टर। गाइड्स तो आप देख सकते हैं ये है स्टेशन में लगा हुआ ये पोस्टर, और आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं। और ये देखिए दूसरा विजुअल आ गया, और ये स्टेशन पे पब्लिक यहाँ पे खड़ी है स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे जो है स्टेशन के अंदर सिंगम अगेन की पोस्टर लगी हुई है, देख सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, देख सकते हैं ये जो है स्टेशन के अंदर ये पोस्टर लगी हुई है, देख सकते हैं ये सिंगम अगेन का पोस्टर। तो चलिए आपको रोड पे जो पोस्टर लगे वो आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये मार्किंग जो है, इसके बाद जो है सिंगम अगेन का पोस्टर आएगा। तो देख सकते हैं ये जो है आईटीओ के पास लगी हुई है सिंगम अगेन का पोस्टर। तो गाइस
तो गाइड्स आप लोगों ने पोस्टर देखे, आपको ये पोस्टर जो रास्ते पे लगा हुआ है, रोड पे लगा हुआ है, आपको ये कैसा लगा पोस्टर? और स्टेशन में देखिए ये पोस्टर जो है वो आपको कैसा लगा? बस मैं ही चाहूँगा ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।